नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। कांग्रेस की सरकार आ गई इसलिए लाइट तो जानी ही है, इस लाइन को आप अक्सर सोशल मीडिया पर इन दिनों देख रहे हैं और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब इस लाइन का जवाब दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ महाराजपुर में एक चुनावी सभा के दौरान बिजली की समस्या पर बोले। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में बिजली कटौती की जो साजिश हो रही है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़े कदम उठा रही है। पिछले दिनों लगभग 200 कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई है, फिर भी कुछ इलाकों में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग बिजली कटौती की साजिश रच रहे हैं ताकि कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जा सके। मुख्यमंत्री कमलनाथ महाराजपुर में आयोजित एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बात कह रहे थे। ये बात सच है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बौखलाए हुए हैं, कुछ अधिकारियों के साथ मिलके कभी शॉर्ट सर्किट कर देंगे, कभी तार काट देंगे, कार्रवाई करी जाएगी इनको। याद रखिएगा, ये जो कर रहे हैं केवल चुनाव में आपको भड़काने के लिए कर रहे हैं। बिजली की कोई कमी नहीं रहनी, ये बात आप समझ लीजिए। ये तो अभी चुनाव में भड़काने की बात कर रहे हैं, बिजली काटने की बात कर रहे हैं। और मैं तो आपसे ज्यादा ना कहते हुए यही कहना चाहता हूँ, अंत में बहुत दिनों बाद चुनाव आयोग ने सही बैन लगाया है। अगर इस बैन का उल्लंघन होता है चुनाव आयोग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये दुख की बात है कि पहली दफे चुनाव के इतिहास में, प्रजातंत्र के इतिहास में, प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं आचार संहिता का उल्लंघन करने के। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी का इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना पड़ा और अब प्रज्ञापन, ऐसा कभी हुआ है इतिहास में? आपको बता दें कि छतरपुर में भी बिजली कटौती के कारण आम जनता कराह रही है। आए दिन बिजली कटौती से लोग परेशान हैं और सोशल मीडिया पर जब बिजली कटौती होती है तो इसका ठीक राग कांग्रेस की सरकार पर फोड़ा जाता है। छतरपुर के अधिकारियों से भी हमने पिछले दिनों बात की थी और उनका कहना है कि अब छतरपुर में एक फीडर की जो समस्या थी उसका लोड का बंटवारा कर दिया गया है और अब ये समस्या नहीं रहेगी। जो सौरा सब स्टेशन से लाइन आती थी बस स्टैंड, वो उसका टेल इंड पड़ता था ये सीताराम कॉलोनी या हनुमान टोरिया के पीछे, पूरा जो इलाका आता है पठापुर रोड हो गया, छेदगिरी कॉलोनी हुई, बालाजीपुरम हो गया, दुर्गा कॉलोनी हो गई, तो इन सब एरिया में वोल्टेज की समस्या थी जिसका निदान ये कर दिया गया है कि कल चालू करा के बकायन सब स्टेशन चालू कर दिया गया है, जिसमें उधर का आधा लोड इस मतलब सब स्टेशन पे डाल दिया गया है। और आपके शहर का दूसरा इलाका जैसे देरी रोड हुआ, देरी रोड पूरा करीब चार पाँच किलोमीटर का एरिया पूरा का पूरा ये भी टेल इंड में आता था या यहाँ पे वोल्टेज समस्या रहती थी, जिसको बकायन सब स्टेशन से जोड़कर अलग फीडर निकाल के जोड़कर वो चालू कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार। गहोई सेल्स एंड सर्विस में आकर्षक एक्सचेंज ऑफर के साथ आपको मिलेंगे कैंट, नसाका, यूरेका फोर्ब्स, एक्वागार्ड, टाटा स्वच्छ और यूनिलीवर प्योरिट के अलावा ल्यूमिनस बैटरी, हेवल्स, पद्मनी अप्लायंस, बजाज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, सिंफनी, उषा, सेलो और इसके अलावा टेलीविजन रेंज में टाटा स्काई HD, वीडियोकॉन T2H और डिश टीवी की सुविधा, साथ ही साथ वी गार्ड और फिलिप्स के भी उत्पाद। इस भीषण गर्मी में कूलर की हर रेंज गहोई सेल्स एंड सर्विस में उपलब्ध है, तो आज ही आए गहोई सेल्स एंड सर्विस, कांग्रेस कार्यालय के सामने, छत्रसाल चौक, छतरपुर।